गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा था दसवां, चैप्टर 10 बायो केमिस्ट्री जैव रसायन। जैव रसायन में टॉपिक देख रहे थे लिपिड, ठीक है। प्रीवियस क्लास में कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? लिपिड, ठीक है। लिपिड किसे कहा था? कि जैव कोशिकाओं में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जो स्पर्श करने पर कैसे लग रहे थे? चिकने। जो स्पर्श करने पर कैसे हो? चिकने हो, ठीक है। जो स्पर्श करने पर तो कैसे थे? चिकने थे। जल में कैसे हैं? अविलय और अध्रुवीय विलायकों में, यानी कार्बनिक विलायकों में कैसे थे? विलय थे। क्या कहला रहे थे? लिपिड। तो लिपिड को कितने वर्गों में विभाजित किया? 3 वर्गों में। लिपिड को कितने वर्गों में विभाजित किया? कर दिया 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और एक खंड क्या था? व्युत्पन्न लिपिड, ठीक है। लिपिड की परिभाषा क्लियर थी। जैव कोशिकाओं में पाए जाने वाले वे कार्बनिक पदार्थ जो स्पर्श करने पर कैसे लगते हैं? चिकने लगते हैं। जल में अविलय है, जबकि अध्रुवीय विलायकों में, यानी कार्बनिक विलायकों में कैसे है? विलय है। फिर बात करें लिपिड के वर्गीकरण की, तो लिपिड को कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं? 3 वर्गों में। कौन कौन से? सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड, ठीक है। फिर फर्स्ट बात करें सरल लिपिड। सरल लिपिड का सेकेंड नाम क्या हो सकता है? दूसरा नाम क्या हो सकता है? समलिपिड, ठीक है। सरल लिपिड को क्या कह सकते हैं? समलिपिड, ठीक है। ये अल्कोहल के साथ बसी अम्लों के, सरल लिपिड की बात करते हैं तो सरल लिपिड अल्कोहल के साथ बसी अम्लों की क्या है? एस्टर होते, ठीक है। अल्कोहल के साथ बसी अम्लों की क्या है? एस्टर। एस्टर का क्रियात्मक समूह क्या था? RCOOR, यानी इनमें भी कौन सा समूह उपस्थित होगा? RCOOR। आर क्या होगी? कार्बन की लंबी श्रृंखला, ठीक है। तो सरल लिपिड क्या है? अल्कोहल के साथ बसी अम्लों के क्या है? एस्टर है। सरल लिपिड कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो प्राकृतिक वसा एवं तेल, और दूसरे कौन से प्रकार के? मॉम, ठीक है। सरल लिपिड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो प्राकृतिक वसा एवं तेल, और दूसरा प्रकार क्या है? मॉम, या कह सकते हैं वैक्स, ठीक है। फिर बात करें फर्स्ट की, प्राकृतिक वसा एवं तेल की, ठीक है। तो प्राकृतिक वसा एवं तेल ग्लिसरॉल के वसी अम्लों के, प्राकृतिक वसा और तेल ग्लिसरॉल, ठीक है, या ग्लिसरीन भी कह देते हैं, दोनों में से जो भी यूज करें वो। प्राकृतिक वसा और तेल ग्लिसरॉल के वसी अम्लों के क्या है? ट्राइएस्टर, यानी कितने एस्टर समूह उपस्थित होंगे? 3 एस्टर समूह, ठीक है। तो प्राकृतिक वसा और तेल ग्लिसरॉल के वसी अम्लों की क्या है? ट्राइएस्टर है, इसलिए इन्हें क्या नाम दे देते हैं? ट्राई ग्लिसराइड। क्या नाम दे दिया? ट्राई ग्लिसराइड भी कह सकते हैं। अब बात करें वसा और तेल की, तो वसा की तो भौतिक अवस्था क्या है? वसा कौन सी अवस्था में उपस्थित होगी? ठोस अवस्था में, ठीक है। जबकि तेल कौन सी अवस्था में उपस्थित होगा? द्रव अवस्था में, ठीक है। तो वसा तो कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में, और तेल कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में, ठीक है। ये तो किसकी बात की? सरल लिपिड 2 प्रकार के थे, प्राकृतिक वसा और तेल और मॉम। पहले बात की प्राकृतिक वसा और तेल की, कि ये ग्लिसरॉल के वसी अम्लों के क्या है? ट्राइएस्टर है, इसलिए इन्हें क्या कह देते हैं? ट्राइग्लिसराइड भी कह देते हैं। यहां वसा तो ठोस अवस्था में होती है, और तेल कौन सी अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में। फिर बात करें सेकंड पार्ट की, सरल लिपिड का दूसरा प्रकार क्या था? मॉम या वैक्स, ठीक है। तो मॉम की बात करें तो ये लंबी श्रृंखला वाले, मॉम क्या है? लंबी श्रृंखला वाले, लंबी कार्बन की श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं? मोनो यानी सिंगल, एक, ठीक है, हाइड्रिक यानी OH समूह के लिए यूज में करते हैं। तो जिन एल्कोहल में एक OH समूह उपस्थित होता है, ठीक है, जिन एल्कोहल में एक OH समूह उपस्थित होता है वो एल्कोहल क्या कहलाते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल।
क्या कहलाते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोम क्या है? लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तथा लंबी श्रृंखला वाले वसी अम्लों के क्या है? एस्टर। लंबी श्रृंखला वाले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल तथा लंबी श्रृंखला वाले वसी अम्लों, ठीक है, फैटी एसिड के क्या है? एस्टर, ठीक है। जैसे उदाहरण बात करें मोम की, तो मधुमक्खी का मोम, ठीक है। तो ये तो किसकी बात की? सरल लिपिड की, ठीक है। दो प्रकार के हो गए, प्राकृतिक वसा और तेल और मोम, ठीक है। फिर बात करें सेकंड, संयुक्त लिपिड। सेकंड बात करेंगे संयुक्त लिपिड की, ठीक है। संयुक्त लिपिड की बात करते हैं। संयुक्त लिपिड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? विषम लिपिड, ठीक है। संयुक्त लिपिड या क्या कह सकते हैं? विषम लिपिड। सरल लिपिड को क्या कहा था? सम लिपिड। यहां संयुक्त लिपिड को क्या कह दिया? विषम लिपिड, ठीक है। विषम लिपिड की बात करें, संयुक्त लिपिड की बात करें, तो वे लिपिड जिनमें वसा अम्ल और वसा एल्कोहल। सरल लिपिड की बात कर रहे थे, तो सरल लिपिड किसके एस्टर थे? एल्कोहल और वसी अम्ल। एल्कोहल और फैटी एसिड के क्या थे? एस्टर थे। लेकिन संयुक्त लिपिड की बात करेंगे तो इनमें वसा अम्ल और वसा एल्कोहल, इनके अतिरिक्त, वसा अम्ल और वसा एल्कोहल के अतिरिक्त अन्य समूह भी उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। संयुक्त लिपिड या विषम लिपिड की बात करते हैं तो इनमें वसा अम्ल, वसा एल्कोहल, इनके अतिरिक्त अन्य समूह भी पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये लिपिड क्या कहलाते हैं? संयुक्त लिपिड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे ये लिपिड? संयुक्त लिपिड कहलाते हैं। संयुक्त लिपिड की बात करें तो संयुक्त लिपिड को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है। संयुक्त लिपिड के भी मुख्य वर्ग कितने हैं? दो, ठीक है। संयुक्त लिपिड ठीक है, संयुक्त लिपिड या क्या कह दिया था? विषम लिपिड। अब सरल लिपिड में तो क्या था? केवल वसा अम्ल और वसा एल्कोहल। यहां वसा अम्ल, फैटी एसिड, वसा एल्कोहल के अतिरिक्त क्या हो सकते हैं? अन्य समूह। अन्य समूह भी क्या हो सकते हैं? उपस्थित हो सकते हैं। तो क्या कहलाएंगे? संयुक्त लिपिड। ऐसे लिपिड जिनमें वसा अम्ल और वसा एल्कोहल के अतिरिक्त अन्य समूह भी उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं? संयुक्त लिपिड। संयुक्त लिपिड को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? दो वर्गों में। मुख्य वर्ग कितने हैं? दो वर्ग। कौन कौन से होंगे दो मुख्य वर्ग? ठीक है, संयुक्त लिपिड को कितने वर्गों में विभाजित कर दिया? दो वर्गों में। कौन कौन से होंगे दो वर्ग? एक तो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, एक क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिपिड। संयुक्त लिपिड को कितने वर्गों में विभाजित कर दिया? दो वर्गों में। कौन कौन से? एक तो संयुक्त लिपिड, सॉरी फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। संयुक्त लिपिड को कितने वर्गों में विभाजित कर दिया? मुख्य वर्गों में, दो वर्गों में, एक तो फॉस्फोलिपिड और एक ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। फर्स्ट बात करें फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं किसकी? फॉस्फोलिपिड की। फर्स्ट ले लें फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो इनमें वसा अम्ल एल्कोहल के अतिरिक्त, तो दो समूह तो उपस्थित है, इसी वसा अम्ल और वसा एल्कोहल, इनके अतिरिक्त संयुक्त लिपिड में क्या पाए जाते हैं? अन्य समूह। अब अन्य समूह क्या होंगे?
नाइट्रोजनिक क्षार भी हो सकते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल भी हो सकते हैं। उसी के अनुसार इनको कितने भागों में बांट दिया था, दो भागों में, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। तो बात करें पहले फॉस्फोलिपिड की, तो फॉस्फोलिपिड में वसा अम्ल और वसा एल्कोहल इनके अतिरिक्त, ठीक है, फॉस्फोरिक अम्ल और कार्बनिक क्षार, इनमें क्या कहेंगे, इनमें वसा अम्ल, वसा एल्कोहल के अतिरिक्त, क्या क्या पाए जाएंगे, कार्बनिक क्षार, कार्बनिक क्षार तथा फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल क्या होगा, फॉर्मूला फॉस्फोरिक अम्ल का H3PO4, ठीक है। तो इनमें वसा अम्ल और वसा एल्कोहल के अतिरिक्त कौन कौन से अन्य समूह पाए जाएंगे, कार्बनिक क्षार और फॉस्फोरिक अम्ल भी पाए जाते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड में वसा अम्ल, वसा एल्कोहल के अतिरिक्त कौन कौन से समूह पाए जाएंगे, कार्बनिक क्षार और फॉस्फोरिक अम्ल भी, यानी H3PO4 भी पाए जाते हैं, इसलिए क्या नाम दे दिया इनको, फॉस्फोलिपिड। फिर बात करें आगे, ये कोशिका झिल्ली की जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, पादप कोशिका की बात करें, जंतु कोशिका की बात करें, दोनों में क्या उपस्थित है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। तो ये कोशिका झिल्ली की रचना में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। ये कोशिका झिल्ली की रचना में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, सहायक है, ठीक है। फिर आगे बात करें, सेकंड किसकी बात करेंगे, ग्लाइकोलिपिड की। सेकंड पार्ट देखते हैं ग्लाइकोलिपिड, सेकंड लिपिड के दो परत हैं, फॉस्फोलिपिड और सेकंड कौन सा था, ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में तो क्या कहा कि वसा अम्ल और एल्कोहल के अलावा क्या पाए जाएंगे, फॉस्फोरिक अम्ल और कार्बनिक क्षार, ठीक है। ये किसकी संरचना में भाग लेते हैं, कोशिका झिल्ली के में, कोशिका झिल्ली की रचना में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड बात करें ग्लाइकोलिपिड की, ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड की बात करते हैं, तो ये शर्करा के वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, ग्लाइकोलिपिड ये शर्करा के वसीय अम्लों के, वसीय अम्लों के एस्टर होते हैं, ये शर्करा के वसीय अम्लों के क्या है, एस्टर। शर्करा के वसीय अम्लों के क्या है, एस्टर है। इनमें भी एक चीज कॉमन होगी, कौन सी चीज, कार्बनिक क्षार, कौन सा समूह कॉमन होगा, कार्बनिक क्षार। तो सेकंड क्या लिख सकते हैं, इनमें भी कार्बनिक क्षार, कार्बनिक क्षार कहें या नाइट्रोजनिक क्षार के दोनों एक ही है, तो इनमें भी कार्बनिक क्षार समूह पाया जाता है, कॉमन चीज है दोनों में। लेकिन इसमें तो क्या पाया जाता था, फॉस्फोरिक अम्ल, इनमें फॉस्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाएगा, इनमें फॉस्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड क्या है, शर्करा के वसीय अम्लों के एस्टर है, ठीक है। इनमें भी कौन सा समूह पाया जाएगा, फॉस्फोलिपिड की तरह कार्बनिक क्षार समूह पाया जाएगा, नाइट्रोजनिक क्षार पाए जाएंगे। लेकिन फॉस्फोलिपिड में तो कौन सा समूह था साथ में, फॉस्फोरिक अम्ल, लेकिन ग्लाइकोलिपिड में फॉस्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता, फॉस्फोरिक अम्ल का समूह उपस्थित नहीं होगा। ये क्या आ गया इन दोनों में, अंतर आ गया, ठीक है। तो ये शर्करा के वसीय अम्लों के एस्टर, इनमें कार्बनिक क्षार पाया जाएगा लेकिन फॉस्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता। फिर बात करें कहां कहां उपस्थित हो सकते हैं ग्लाइकोलिपिड,
ये कहां कहां उपस्थित हो सकते हैं? मस्तिष्क, वृक्क, ठीक है, श्वेत और लाल रक्त कणिका होंगे। कहां कहां उपस्थित हो सकते हैं? मस्तिष्क, मस्तिष्क, वृक्क, ठीक है, श्वेत व लाल रक्त कोशिकाओं में या कणिकाओं में, कोशिकाओं आदि में पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। ये मस्तिष्क, वृक्क, श्वेत व लाल रक्त कोशिकाएं, या कह सकते हैं WBC और RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, इनमें भी उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, ये किसकी बात की? दो प्रकार के लिपिड, एक तो सरल लिपिड और एक संयुक्त लिपिड। ठीक है, सरल लिपिड कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के, प्राकृतिक वसा एवं तेल, और सेकंड प्रकार का था मोम या वैक्स। ठीक है, संयुक्त लिपिड की बात कर रहे थे, विषम लिपिड की। तो संयुक्त लिपिड में क्या चीज डिफरेंट थी सरल लिपिड से? सरल लिपिड में तो क्या कहते हैं, वसा अम्ल और वसा एल्कोहल। यहां पर संयुक्त लिपिड में वसा अम्ल और वसा एल्कोहल के साथ साथ, इन दोनों के साथ साथ अन्य समूह भी क्या है, उपस्थित है। ठीक है, संयुक्त लिपिड को कितने समूह में विभाजित कर दिया? दो समूह में, दो मुख्य वर्गों में। कौन कौन से? एक तो फॉस्फोलिपिड और एक ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के लिए क्या कहा था कि इनमें वसा अम्ल और वसा एल्कोहल के अतिरिक्त क्या क्या उपस्थित है, कौन से समूह उपस्थित है? एक तो फॉस्फोरिक समूह, फॉस्फोरिक अम्ल, और एक क्या उपस्थित है? कार्बनिक क्षार। ये कोशिका झिल्ली की रचना में क्या कर रहे थे? पार्टिसिपेट कर रहे थे, भाग ले रहे थे। फिर बात करें सेकंड ग्लाइकोलिपिड की, तो ये शर्करा के वसी अम्लों के क्या है? एस्टर है। इनमें भी कार्बनिक क्षार तो पाया जाएगा लेकिन फॉस्फोरिक अम्ल उपस्थित नहीं होगा, फॉस्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता। कहां कहां उपस्थित हो सकती है ये? मस्तिष्क, वृक्क, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, ठीक है, इनमें उपस्थित हो सकता है। फिर तीसरे प्रकार का लिपिड बचता है व्युत्पन्न लिपिड, ठीक है, जो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।